बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी चिकन चीज वेजिटेबल सैंडविच। बहुत ही मजे के बनते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है, तो मैं इसको सैंडविच बनाकर बनाऊंगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, बंद गोभी मेरे लिए हाफ, इसको मैंने बारीक काट लिया है। खीरा मेरे लिए है हाफ, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। शिमला मिर्ची मेरे लिए एक अदद, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। टमाटर मेरे लिए एक अदद, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। और गाजर भी मैंने एक अदद लिए, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हरा धनिया और हरी मिर्ची लिए, चिकन के मैंने दो तीन पीस लिए थे, उसको बॉयल करके उसको श्रेड कर लिया है। क्रीम चीज लिए मैंने, केचप लिए, मायोनीज लिए, और मसालों में मैंने लिए कुटी हुई मिर्ची आधी चम्मच, काली मिर्ची एक चम्मच, चिकन पाउडर आधी चम्मच और नमक हसबे जरूरत। रेड स्लाइस लिए, सोया सॉस लिया है। चलिए तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने हल्का सा ऑयल डाल दिया है, ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। चिकन हल्की हल्की फ्राई कर ली है, अब इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे। सोया सॉस शामिल करेंगे, दो चम्मच मैंने सोया सॉस की डाली है। तमाम मसाले शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। केचप शामिल करेंगे, केचप भी दो चम्मच है। अब इसमें धनिया शामिल कर देंगे, गाजर शामिल कर देंगे, शिमला मिर्ची शामिल कर देंगे, टमाटर शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको। तमाम चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और इसको हल्का कुक करेंगे और खीरा और चीज़ ऐड में शामिल करेंगे। चीज शामिल करेंगे, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और अब मैं एंड में इसमें खीरा शामिल कर दूंगी। फिलिंग तैयार हो गई है, बस अब इसको मिक्स कर लेंगे। ब्रेड पे मायोनीज लगाएंगे, अब ये फिलिंग लगाएंगे। अब
इस पे ब्रेड स्लाइस रख देंगे। एक तैयार हो गया है और दूसरा भी अब इसी तरीके से बना लेंगे। वायरिस लगाएंगे ब्रेड पे। और अब ये फ्लेक लगाएंगे ब्रेड पे, अच्छी तरह लगाएंगे फैला के। ये दोनों तैयार हो गए और अब इसको सैंडविच मेकर में रख देंगे। इस पे हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। सैंडविच को सैंडविच मेकर में रखकर और इसको बंद कर देंगे। ये देखिए इस पे अच्छा सा कलर आ गया और अब मैं इसको निकाल लूँगी। अगर आपके पास सैंडविच मेकर लिए तो आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं। चिकन चीज़ वेजिटेबल सैंडविच तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ान में बनाइएगा और इफ्तार में एंजॉय कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा इंस्टाग्राम भी आप मुझे उस पर भी फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दादा कैसे बने? वाह वाह बने, आपने खा लिए?